चेंबूर के संत निरंकारी सत्संग भवन में कोरोना वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन सांसद राहुल शेवाले ने किया। चेंबूर कैंप वार्ड 154 में कोरोना वैक्सीन सेंटर की शुरुआत करने से चेंबूर कैंप के ज्यादा से ज्यादा रहवासियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। आपको बता दें, संत निरंकारी सत्संग भवन में वैक्सीन सेंटर शुरू करने की मांग की गई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए महानगरपालिका व महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन सेंटर शुरू किया है। आज से ही सभी लोगों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र आणि मुंबई शहरात जेवढा लसीचा पुरवठा व्हायला पाहिजे तेवढा केंद्र सरकारकडून होत नाही, तरी मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई महानगरपालिकेची संपूर्ण टीम जास्तीत जास्त लसीकरण केंद्र ओपन करून लोकांना लस देण्याच्या संदर्भात उपाययोजना करत आहेत। आणि हा तुटवडा दिसत असल्या कारणामुळे मुंबई महानगरपालिकेने एक निर्णय घेतला की ग्लोबल टेंडर काढायचा, आणि ग्लोबल टेंडरच्या माध्यमातून ज्या इंटरनॅशनल कंपनी आहेत त्यांना ह्या ठिकाणी वैक्सीन पुरवठा करण्यासंदर्भात पूर्ण प्रक्रिया करायची, परंतु त्या प्रक्रियेत पण केंद्र सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे। कारण केंद्र सरकारने तीनच कंपन्यांना देशामध्ये डोमेस्टिक सप्लायची परवानगी दिलेली आहे, बाकीच्या कंपन्यांना पण त्यांनी परवानगी देण्यात यावी, ज्यामुळे ग्लोबल टेंडर काढले त्याला ते यशस्वी होऊ शकतं। आज चेंबूर या ठिकाणी दोन ठिकाणी आम्ही या ठिकाणी निरंकारी भवन आणि ड्राईव्ह इन ज्या केसर मॉल आहे या ठिकाणी सहायक महानगरपालिका आयुक्त चव्हाण साहेब आमचे यांच्या प्रयत्नाच्या माध्यमातून आमचे नगरसेवक सगळ्यांच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी वॅक्सिनेशनचं सेंटर ओपन होत आहे। आणि चेंबूर नागरिकांकरता ती एक चांगली सुविधा, कारण महानगरपालिकेने निर्णय घेतला की प्रत्येक वॉर्डमध्ये एक सेंटर असावं, त्याच धर्तीवर हे प्रत्येक वॉर्डात आज सेंटर निर्माण होत आहे। बरोबर आहे, PM आदरणीय पंतप्रधान मोदीजींनी सांगितलेलं उत्सव साजरा करावा, परंतु उत्सव साजरा करताना ज्या लसींचा पुरवठा करायला पाहिजे तेवढा करत नाही आहे, त्यामुळे त्या उत्सवाला कुठेतरी गालबोट लागलेला आहे। परंतु त्याही गोष्टीचं राजकारण न करता महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहेब हे महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला लस कशी मिळेल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करत आहेत। आता केंद्रावर न अवलंबून राहता जागतिक निविदा मागून जागतिक ज्या कंपन्या आहेत त्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला आणि विशेष करून मुंबईतील प्रत्येक नागरिकाला लस कशी मिळेल याकरता मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे। नाही, वॅक्सिनेशन सेंटरवर आम्ही आता ह्या 3 दिवसात जसं राज्य सरकारने घोषित केलेलं आहे की 45 खालील जेवढे नागरिक आहेत त्यांना पहिल्या ह्या टप्प्यात, कारण 18 ते 45 जो वयोगटाची घोषणा केलेली तेवढ्या तेवढ्याचा पुरवठा होत नसल्या कारणामुळे ज्यांना यापूर्वी पहिला डोस घेतलेला त्यांचा सेकंड डोसचा ज्यांची पूर्तता करायची आहे त्यांना प्राधान्याने 60 वर्षाचे नागरिक, आणि विशेष करून असं दिसून आलं की आता ह्या ठिकाणी वॅक्सिनेशन सेंटर आहे या निरंकारी भवनला, तर हे निरंकारी भवनचं स्टेशन जे कोविन ॲप आहे त्यामध्ये अख्ख्या मुंबईकरता ते ओपन दिसत असल्याकारणामुळे ह्या चेंबूर क्षेत्राच्या बाहेरील पण नागरिकांचं रजिस्ट्रेशन त्या ॲपवर होतं, आणि असं दिसून येतं की त्या सेंटरवर लोकल माणसं कमी असतात आणि बाहेरचे लोक येऊन तिथे वॅक्सिन घेतात, आणि त्यामुळे जे लोकल नागरिक आहेत ते नाराज होतात कारण त्यांच्या विभागात वॅक्सिन सेंटर ओपन केलं आणि त्यांनाच वॅक्सिन मिळत नाही आहे। ही एक तांत्रिक अडचण दिसून आल्याकारणामुळे मुंबई महानगरपालिकेने निर्णय घेतला की 3 दिवस ऑफलाईन वॅक्सिन करण्याच्या संदर्भात, आणि तो 3 दिवसाचा ऑफलाईनचा ड्राईव्ह या ठिकाणी चालू आहे। कोविड ॲपच्या पण तांत्रिक अडचणी, केंद्र सरकारचा लसीचा पुरवठा करता उदासीनता, ह्या सगळ्या गोष्टींना सामोरं जाऊनसुद्धा मुंबई महानगरपालिकेची आमची टीम चांगलं काम करत आहेत आणि नागरिकांना जास्तीत जास्त दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत। नाही, याच्यात माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना मी स्वतः विनंती केली होती की पत्रकारांनी पहिल्या लाटेमध्ये आणि दुसऱ्या लाटेत पण आता चांगलं काम केलेलं आहे, कोविड योद्ध्यासारखं त्यांनी काम केलेलं आहे, तर पत्रकारांनी त्यांच्या परिवाराकरता वॅक्सिनेशनचा स्पेशल प्रोग्राम आयोजित करण्यात यावा, माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी पण त्याला अनुकूलता दर्शवलेली आहे। दुर्दैवाने केंद्र सरकारचा जो पुरवठा आहे तो कमी होत असल्या कारणामुळे माननीय मुख्यमंत्री साहेबांची भूमिका हीच आहे की पुरवठा सुरळीत झाल्यानंतर पत्रकारांकरता वेगळा एक प्रोग्राम त्या ठिकाणी डिक्लेअर करण्यात येईल, आणि आता घाईघाईत न करता तो पत्रकार आणि पत्रकारांच्या परिवाराकरता एक प्लॅनिंगने तो प्रोग्राम डिक्लेअर करण्यात येईल, आणि लवकरच त्याची घोषणा माननीय मुख्यमंत्री साहेब करतील। सरकार के माध्यम से जितना वैक्सीन का सप्लाय होना चाहिए वो सप्लाय न होने की वजह से बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर है जो वहाँ पर 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद वैक्सीन जो देने का प्रोग्राम है वो स्टॉप किया गया हुआ है। तो अभी केंद्र सरकार का सप्लाई न आने की वजह से मुंबई महानगरपालिका ने निर्णय लिया कि एक ग्लोबल टेंडर निकाल के जो ग्लोबल कंपनी है उनको इनवाइट करेंगे और उनके थ्रू लोगों को वैक्सीन देंगे, लेकिन उसमें भी दिक्कत आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ICMR और DGCI की जो परमिशन चाहिए वो परमिशन
अभी तक तीन ही कंपनियों को मिले, बाकी कंपनियों को नहीं मिली। जब तक सभी कंपनियों को परमिशन न मिलेगी तब तक एक ग्लोबल टेंडर सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि यूपी में भी एक ग्लोबल टेंडर निकाला था गया था लेकिन वो भी वहाँ पर भी सक्सेस नहीं हुआ, उसकी भी डेट एक्सटेंड हुई है। तो ये सब केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। अगर केंद्र सरकार वैक्सीन देने के लिए सक्षम नहीं है तो ग्लोबल टेंडर जो जो महानगर पालिका स्टेट गवर्नमेंट निकालते हैं तो उनको टेक्निकल सपोर्ट देना चाहिए, पत्रकारों को वैक्सीन देना चाहिए। ये मैंने मांग माननीय मुख्यमंत्री साहब को की, माननीय मुख्यमंत्री साहब उसके लिए पॉजिटिव है। मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि ये जो वैक्सीन का जो सप्लायर है वो 14 रुपये के अबाव जितने भी है उनके लिए आ रहा है, पत्रकारों के लिए हम लोग अभी स्पेशल कोटा मंगाएंगे और कोटा के माध्यम से पत्रकार और पत्रकार के परिवारों को एक स्पेशल ड्राइव किया जाएगा। यही नहीं, हमारी मांग थी, हमारे गजनेता प्रभाकर शिंदे जी मुंबई के अध्यक्ष लोढ़ा जी, इन्होंने मांग की थी आयुक्त के पास कि जो कुछ गिने चुने सेंटर चालू है वहाँ पे भीड़ बहुत हो रही है, लोगों को दिक्कत आ रही है, चार चार पाँच पाँच घंटा लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, तो उसके लिए मुंबई के सभी नागरिकों को वैक्सीनेशन हो और सुविधाजनक हो, इसके लिए हर वार्ड में हमने वैक्सीनेशन सेंटर चालू करना चाहिए, ये हमारी मांग थी पार्टी की ओर से। और आयुक्त ने उसको मानने की मेरे ख्याल से एक दो चार दिन में मुंबई के सभी 227 वार्ड में वैक्सीनेशन सेंटर चालू हो जाएंगे। इसकी ज़रूरत ऐसी थी कि कुछ जगह पे बहुत भीड़ हो रही थी, लोगों को दिक्कत हो रही थी, जैसा आपने चेम्बूर में आपने देखा होगा प्राइवेट जो सेंटर थे वो बंद किए थे और महाहॉस्पिटल में चालू था, तो महाहॉस्पिटल में रोज़ाना 600-700 लोगों के वैक्सीनेशन होते थे, तो भीड़ इतनी हो रही थी, हमने दो तीन दिन जाके वहाँ वॉलेंटियर की मैंने खुद, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोरोना से बचने के बजाय कोरोना लेके जाएंगे लोग, ऐसी डर वहाँ थी, तो उसके लिए वो सभी एक ही जगह के बजाय पूरे चेम्बूर में डिस्ट्रीब्यूट हो, हर वार्ड में 200-300 लोगों का वैक्सीनेशन हो रोज़ाना, ऐसी हमारी संकल्पना थी और उसको आयुक्त ने मान्यता दी। तो आज से मेरे वार्ड में और यहाँ पे आज आपने देखा कि चालू हुआ है, मराठी मैडम के वार्ड में चालू हो जाएगा, पाटनकर साहब के वार्ड में चालू होएगा, सुषम सावंत जी के यहाँ सहकार सिनेमा में चालू हो रहा है, तो सभी वार्ड में आने वाले दो तीन दिन सोमवार या मंगलवार तक सभी वार्ड में हमारे वैक्सीनेशन सेंटर चालू हो गए और लोगों को सुविधा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, CN न्यूज़।